पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 6 से 10। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 14 और 19 से 20। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव। मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे ईश्वर तथा पिता को अनंत काल तक महिमा, आमीन। प्रभु की वाणी। जय घोष। Hallelujah. समाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्याएं 1 से
14 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहां कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का सुसमाचार।